दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोलती है, इस बात को आप अच्छे से जानते और समझते भी होंगे। आईफोन देखते ही लोग उसे देखते रह जाते हैं। एप्पल ने अपने फ्लैगशिप ब्रांड आईफोन के 3 नए मॉडल मार्केट में उतारे हैं। ये कैसे दिखते हैं, इनमें क्या खूबियां हैं, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। खत्म हुए इंतजार के लम्हे, हाथों में आने वाला है आईफोन 11। 3 नए आईफोन हुए लॉन्च, आईफोन 11, आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स। जिस इवेंट का पूरी दुनिया को साल भर इंतजार रहता है, वो मंगलवार की रात कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में हुआ। एप्पल ने अपने फ्लैगशिप ब्रांड आईफोन के 3 नए वेरिएंट्स लॉन्च किए। क्यूपर्टिनो के स्टीव जॉब्स थिएटर में आईफोन 11, आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स लॉन्च किए गए। बताया जा रहा है कि इस बार एप्पल लगकर तीनों मॉडल लॉन्च किए हैं। आईफोन प्रो को कैमरे के लिहाज से सबसे सॉलिड माना जा रहा है। अगर बात करें कैमरा पावर की, तो कैमरा पावर को ध्यान में रखकर लॉन्च किए गए अब तक के सबसे पावरफुल कहे जा रहे आईफोन प्रो में 5.8 की स्क्रीन मिलेगी। इसमें 24:36x1125 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलेगा। वहीं आईफोन प्रो मैक्स की स्क्रीन का साइज 6.5 है और इसमें 2688x1242 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलेगा। साइज और डिस्प्ले के अलावा बाकी प्रो सीरीज नए आईफोन के सभी फीचर्स एक जैसे हैं। 3 कैमरे वाला आईफोन 11 प्रो पीवीडी कोटिंग से बना है। ये 4 रंगों ग्रीन, ग्रे, सिल्वर और गोल्ड में मिलेगा। ओलेड डिस्प्ले पैनल के साथ ये 15% ज्यादा एनर्जी बचाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि नए लॉन्च हुए इन तीनों आईफोन में क्या खूबियां हैं। सबसे पहले बात आईफोन 11 की, तो इसमें 12-12 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा है। पोर्ट्रेट मोड, लो लाइट मोड जैसे फीचर्स, नॉर्मल रिकॉर्डिंग को अल्ट्रा वाइड एंगल में बदलने की सुविधा, क्विक टेक फीचर भी इसकी खासियत है, यानी फोटो बटन को दबाने पर क्विक वीडियो शूट हो जाएगा। सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल लेंस, सेल्फी कैमरा से स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग और इसमें लेटेस्ट A13 बायोनिक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। सबसे खास बात और कि इसमें अब तक का सबसे तेज CPU मिलेगा और बैटरी का बैकअप पहले से बहुत अच्छा होगा। और अब बात करें आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स सीरीज की, तो आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स एप्पल के नए iOS 13 प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। इनमें 5.8 इंच और 6.5 इंच के सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले हैं। स्क्रीन हैप्टिक टच को सपोर्ट करते हैं। फोन में टेक्सचर्ड मैट ग्लास है और स्टेनलेस स्टील डिजाइन। इन हैंडसेट को IP68 की रेटिंग मिली है। दोनों ही फोन में 13 बायोनिक चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। थर्ड जनरेशन न्यूरल इंजन है। एप्पल का दावा है न्यूरल इंजन से रियल टाइम फोटो और वीडियो एनालिसिस को मदद मिलेगी। आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स में पिछले हिस्से पर 3-3 रियर कैमरे हैं। एप्पल ने इसे प्रो कैमरा सिस्टम का नाम दिया है। अब अगर बात करें इन दोनों ही मोबाइल की खासियत की, तो इनमें कैमरा पावर पर फोकस किया गया है। सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है और इसके साथ ही CPU को 8.5 बिलियन ट्रांजिस्टर से बनाया गया है। इन दोनों फोन में खास बात यह भी है कि ये आईफोन XS से 4 घंटे ज्यादा का बैटरी बैकअप देते हैं। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। डीप फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से हाई रेजोल्यूशन वीडियोग्राफी भी की जा सकती है। कलर टोन को ऑटो एडजस्ट करेगा और इसके साथ साथ पोर्ट्रेट मोड के साथ बोके मोड और डेप्थ कंट्रोल भी है। अगर बात करें आईफोन की कीमतों की, तो भारत में जो संभावित कीमतें बताई जा रही हैं, उसके मुताबिक आईफोन 11 की कीमत करीब 64,990 रुपए, तो आईफोन प्रो की कीमत 99,990 रुपए और आईफोन प्रो मैक्स की कीमत करीब 1,09,000 रुपए तक हो सकती है। कंपनी के मुताबिक तीनों आईफोन की बिक्री भारत में 27 सितंबर से शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यानी 27 सितंबर से ये आपके हाथों में होगा, लेकिन इनके हाथ में, जिन्हें आप देख रहे हैं, इनके हाथ में नौकरी नहीं है। इनके नंबर उतने हैं कि इन्हें नौकरी आराम से मिल सकती है, लेकिन इन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है।
लखनऊ में शिक्षा निदेशालय के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अभ्यर्थियों से मुलाकात करके आश्वासन दिया कि वो इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे, और इसी का इंतजार तो ये काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उनहत्तर हजार शिक्षक अभ्यर्थी मामले में सरकार के रवैये से नाराज शिक्षक अभ्यर्थियों ने बड़ी तादाद में लखनऊ शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। ये मामला हाई कोर्ट की डबल बेंच में चल रहा है और इसमें जनवरी में परीक्षा के बाद भी अब तक कोई फैसला नहीं आया। शिक्षक अभ्यर्थी महाधिवक्ता के कोर्ट में नहीं जाने से नाराज भी हैं। पिछले 8 महीने से हम लोग एक एक दिन तिल तिल कर मर रहे हैं, तो इस हम लोगों ने फैसला